पिज्जा और कैलोरीज। पिज्जा किसे नहीं पसंद, और जिसे पिज्जा पसंद नहीं और पिज्जा नहीं खाते हैं तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप पिज्जा के शौकीन हैं और महीने में 3 से 4 बार पिज्जा खाते हैं तो आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं, पर हाँ थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है। कुछ ऐसे पिज्जा में ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसान कर सकती है, मैदा, सॉस और चीज। मैदा आपके पेट की चर्बी बढ़ाता है। सॉस में होता है बहुत सारा एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स जो कि बहुत अनहेल्दी है। चीज ऑन पिज्जा में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल और दिल के रोगों का खतरा बढ़ाता है। तो अगर अगली बार पिज्जा खाना है तो याद रखिए ये सिंपल से रूल्स। अगर पिज्जा लिमिट में खाएं तो ये उतना नुकसान नहीं करता। अगर आप पिज्जा महीने में 4 बार खाते हैं तो कम से कम 2 बार पिज्जा घर में बनाएं और पूरे अनाज और हेल्दी तत्व यूज करें। मैदा को रिप्लेस करें गेहूं से। पिज्जा खाने की भरपाई करें रेगुलर वर्कआउट से। तो पिज्जा खाएं भी, पर इस स्टाइल में।